नंबर ऑफ स्टेप्स टू बी अप्लाई। तो हमको टेन डेल्टा टेस्ट के लिए कितनी बार वोल्टेज अप्लाई करना है इसका नंबरिंग दिया जाता है। तो हम लोग ये टेस्ट दो वोल्टेज में करेंगे, दो वोल्टेज इसमें अप्लाई करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे दो सेलेक्ट किया है, 5 kV डाल के इसको ऐड करना है। और मैं एक टेस्ट करूँगा 10 kV से, तो ये 10 kV ऐड कर दिया। तो ये 5 kV 10 kV ऐड किया और मैंने मोड को सेलेक्ट कर लिया। तो इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ये विंडो आ जाएगा, इसमें आपका कैपेसिटेंस और टेन डेल्टा, इसमें वोल्टेज इंजेक्ट होगा और उसके साथ साथ इसका कैपेसिटेंस कितना आ रहा है और टेन डेल्टा कितना आ रहा है ये शो करेगा। तो इसके लिए इसको हमको स्टार्ट प्रोसेसिंग करना है। तो स्टार्ट प्रोसेसिंग के पहले हमारा जो किट है इसमें हाई वोल्टेज पावर सप्लाई जिससे हम लोग वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, इसको सब में पहले ऑन करना है। इसको ऑन करने के बाद अभी हमको वोल्टेज को इंजेक्ट करना है, इसलिए यहाँ पे ST को ऑन करना है। ST ऑन करने के बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट प्रोसेसिंग करेंगे। स्टार्ट प्रोसेसिंग करने के बाद ये प्रोसेस करने के पहले आपको एक बार अपना जो स्टाफ ऊपर कनेक्शंस के लिए रुका है उनको थोड़ा आप बुशिंग सिटी से दूर रहने के लिए बताना है। तो आपने आपको आपके स्टाफ को बताने के बाद आप इसको स्टार्ट टेस्ट के लिए यस बोल सकते हैं। इसके बाद ये आपको एक मैसेज देता है कि आपके कनेक्शंस वगैरह सभी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, तो इसको ओके बोलिए। अब ये हमारा इंजेक्शन स्टार्ट हो रहा है, 10 डेल्टा टेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे सब में नीचे राइट साइड में देखिए आप, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाइड हो रहा है। जो मैंने 5 kV और 10 kV किया था तो उसमें अभी मुझे 5 kV अप्लाइड हो रहा है।